तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी क्यूब कलेक्शन वीडियो दिखाएंगे और यार बहुत ही अमेजिंग मेरी क्यूब कलेक्शन है। तो चलो भाई, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, ये है एक मेरे पास गियर क्यूब जो कि आप देख ही सकते हैं किस तरह ये क्यूब चलता है, बहुत ही स्मूथ क्यूब है। और ये है गाइस एक मिरर क्यूब जो कि आप देख ही सकते हैं कितना ये किस तरह का शेप शिफ्टर बदल होता है यार ये। इसके बाद गाइस मेरे पास है ये आईवी क्यूब जो कि कुछ अलग ही बदल होता है, आपने देखा होगा इसको मेरी शॉर्ट वीडियोस में। इसके बाद गाइस जी ई का गाइस ये है स्क्वैब, आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह का ये स्क्वैब है। सिलेंडर क्यूब मेरे पास दो हैं जो कि एक लोकल सा बेकार सा है, और गाइस ये है जी ई कंपनी का सिलेंडर क्यूब जिसकी यार तुम टर्निंग देख ही सकते हो कितनी कूल है। इसके बाद गाइस ये है मेरे पास एक सैंडविच मिरर क्यूब जिसकी जिसका तुम लुक देख ही सकते हो, ऊपर पिंक नीचे वाइट और नीचे ब्लू, यार बहुत ही अलग सा इसकी जो है लुक है, अलग सा इसकी टर्निंग अलग सी है, बिल्कुल ही मिरर क्यूब की तरह इसकी टर्निंग है। इसके बाद गाइस ये है एक पेटल क्यूब जो कि बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व होता है, आपने इसे देखा ही होगा और यार ये बहुत ही अमेजिंग पजल है। सो गाइस ये है मेरे पास दो विंडमिल क्यूब जो कि आप देख सकते हैं, एक स्टीगर लेस है और एक जीई का स्टीगर वर्धन विंडमिल क्यूब है, दो हैं यार ये मेरे पास। गाइस ये है एक मेगा मिक्स जो कि तुम लोगों ने देखा ही है मेरी वीडियोस में और यार ये बिल्कुल बॉल की तरह दिखता है। ये है एक 3x3 बट गाइस ये बहुत ही बड़ा क्यूब है, एज कंपेयर टू 3x3 तो ये बहुत बड़ा है और आप डिफरेंस देख सकते हो। इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास है एक ये रेम्बो पजल, ये देख सकते हैं कुछ ये बच्चों वाले गेम है यार, ये हर किसी से सॉल्व। और यार इसके बाद गाइस ये आप अजीब सा क्यूब देख सकते हैं जो है डीएनए क्यूब था गाइस ये, बट यार ये मुझसे टूट चुका है जो जिसकी हालत अभी बहुत ही खराब है, क्या दिखाना यार इसके बारे में, बस छोड़ो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा गाइस तो ये है एक 3x2x3, देख ही सकते हो तुम लोग ये किस तरह का अजीब ही पजल होता है यार, ये 2x3x3 इस क्यूब का नाम है यार और ये ची की तरफ से आता है। सो गाइस ये है रूबिक बनाना जो कि टूट चुका है मेरा और बस इसका अब यही घूमता है, तो बस ये मैंने ऐसे ही अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद गाइस ये है एक 1x3x3 क्यूब जो कि आप देख सकते हैं किस तरह का ये घूमता है और यार ये बहुत ही अजीब सा पजल है, यानी ये देखो ये मेरी फिंगर के मुताबिक का क्यूब है, यानी इतना पतला सा क्यूब है यार ये। इसके बाद गाइस ये है दो 2x2, एक जो है मोयो की तरफ से आता है जो कि है ये वाला, और ये है एक स्टीकर लेस वर्जन 2x2 जिसकी आप ट्रेंडिंग देख ही सकते हैं, ये गाइस ये फंक्शन कंपनी की तरफ से आता है। और गाइस ये है एक स्क्वायर 1 क्यूब और ये बहुत ही मुश्किल सा क्यूब है और ये मुझसे भी एक बात करूं, मुझे भी इसके एल्गोरिथम्स ना यहाँ दिन होते हैं और ये बहुत ही मुश्किल सा पता है। गाइस फिर आ जाते हैं हम अपने 4x4 की तरफ जो कि यार थोड़ा अलग सा ही क्यूब है, 4x4 मतलब 4 लेयर्स होती हैं इस क्यूब में, आप लोग देख ही सकते हो। गाइस ये है 2 पैरामिड क्यूब जो कि आप देख सकते हैं, मोयो का एक चीक है, मोयो का स्टीकर लेस है और चीकी का स्टीकर वर्धन प्रेमिंग्स है। गाइस इसके बाद है ये 2 पदल जो कि हैं एक 1x1 मास्टर मॉर्फिक्स और एक 1x1 पैरामिंग्स है, देख ही सकते हो यार। गाइस ये एक सिंपल 3x3 पैरामॉर्फिक्स क्यूब है, पैरामॉर्फिक्स क्यूब यार ये बहुत ही हार्ड है यार, ये मुझे भी बनाना नहीं आता यार यकीन कर, और ये क्यूब मेरे दिल के सबसे करीब है। वजह ये है क्योंकि ये मुझे हसनैन टेक्निकल ब्रो ने मुझे गिफ्ट किया है, हसनैन भाई जिनके चैनल को आपने देखा ही होगा, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है और यार ये उनके हाथ का चला हुआ क्यूब है यार, उनको मैं अपना सर मानता हूँ, बहुत ही अच्छे हैं यार क्यूबर हैं वो। और यार एक बात बोलूँ, मैंने क्यूबिंग ही उनसे सीखी है, अनबॉक्सिंग की वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स सब मैंने उनसे ही सीखा यार, और उन्होंने मुझे क्यूब एक गिफ्ट भी भेजा यार, थैंक यू हसनैन भाई। GE 5x5 गाइस देख सकते हो आप लोग, GE 6x6 और ये है GE का 7x7 गाइस, ये है एक मेरा GE का मिनी क्यूब जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, इसकी टर्निंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये गाइस 600 रुपये का क्यूब है। इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है एक GE का क्लॉट्स की बदल जो कि मैंने बाय करा है अभी रिसेंटली, इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, एक स्नैक क्यूब जिसको मैंने अभी बंद करके रखा हुआ है यार, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, मोयो कंपनी की से मैंने लिया है। तो गाइस अब आ जाते हैं 3x3 पे, ये है जीई का सेल 3x3 जो कि बिगिनर्स
के लिए होता है जिसकी ट्रेंडिंग इतनी खास नहीं होती। इसके बाद ये गाइस मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था 150 रुपये का, और ये गाइस बात बात पर यार ये ब्रेक हो जाता है। इसको अब थोड़ी सी मैं इसकी तेज टर्निंग करूँगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखो इतनी बुरी इसकी टर्निंग है, ये मोयो मिलोंग 3C। मोयो मिलोंग 3C। इसके बाद ये आ गया हमारा मोयो RS 3M, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो, मोयो RS 3M आ गया। इसके बाद गाइस ये आ गया मोयो का WRM, नहीं मोयो का WRM नहीं, ये पता नहीं गाइस इसका क्या नाम था, ये मैग्नेटिक क्यूब है बस, ये मोयो की तरफ से ही आता है, बट इसका कुछ नाम मुझे याद नहीं है। एक्समैन टोर्नाडो वीटो भाई साहब, जो कि रिसेंटली बाय करा यार, 5000 का क्यूब है। इसके बाद गाइस ये आ जाता है मोयो मिलोंग 3C कॉइन बॉक्स के अंदर आता है यार ये, और यार मोयो मिलोंग 3C और मोयो मिलोंग 3C कॉइन बॉक्स एक ही है, बिल्कुल ही सेम है। और ये है मेरी ज़िंदगी का सबसे खटारा क्यूब यार, इससे मेरे को एलर्जी है गाइस, ये मैं चलाता हूँ मुझे मज़ा नहीं आता, मेरा दिल चाहता है इसको बस फेंक दो टाके। इसके बाद गाइस ये आ जाता है GE का मैग्नेटिक, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो यार, GE का मैग्नेटिक क्यूब है। और इसके बाद गाइस ये आ गया हमारा अपना क्या नाम था इसका यार, इसका नाम था YJ Zilong Mini, ये छोटा क्यूब है एज कम्पेयर टू 3x3 से छोटा क्यूब है, 100 सॉल्व के लिए निकला था। लास्ट में गाइस ये हमारा है डायंशन का मैग्नेटिक क्यूब। तो बात ये है गाइस कुछ रूबिक क्यूब के स्टैंड एक्सेसरीज वगैरह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।